أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Today my topic is female internal reproductive organ, second part, the uterus. Today we will discuss about uterus. Uterus is a thick muscular pear shape. ये जो है ये thick सा shape, muscular shape होता है, और ये जो है निश्वाती जैसा होता है. ये situate कहाँ पर होता है? Pelvis में situate होता है. इसके पीछे जो है rectum है, और आगे जो है urinary bladder है. इसके structure के बारे में पढ़ता है. Structure इसका कौन से किस तरह है. Weight जो है इसका 60 to 70 gram है. Length जो है 7.5 centimeter है. Width जो है इसका 5 centimeter है. Deepness इसका 2.5 centimeter है. And thickness जो है 1.25 centimeter है. फिर उसके बाद हम इसके यूट्रस के जो है लेयर पार्ट्स पढ़ते हैं. इट कंटेन थ्री पार्ट्स, फंडस, बॉडी ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स. फंडस जो है ये फर्स्ट पार्ट होता है. सेकंड जो है हमारे पास बॉडी होता है. एंड थर्ड हमारे पास सर्विक्स होता है. फिर उसके बाद हम लेयर्स ऑफ यूट्रस पढ़ते हैं. यूट्रस के थ्री लेयर्स होते हैं. एक होता है इंट्रोमीडियम, मायोमीडियम एंड पैरामीडियम. इंट्रोमीडियम जो है ये इंटरनल लेयर होता है. मायोमीडियम मिडल लेयर होता है. एंड पैरामीडियम जो है ये एक्सटर्नल लेयर होता है, जो पेरिटोनियम लेयर के साथ अटैच होता है. सही है. फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ यूट्रस के बारे में पढ़ते हैं कि फंक्शन इसका क्या है. फंक्शन ऑफ यूट्रस जो है ये इसमें जो है फर्टिलाइजेशन होता है. मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फर्टिलाइज ओवम इसमें मिच्योर होता है, डेवलप होता है. सही है. फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इस आफ्टर द प्यूबिलिटी. प्यूबिलिटी प्यूबिलिटी के बाद जो है यूट्रस में चेंजेस आ जाए, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है. इसके यूट्रस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं. इसकी जो है हर मंथ जो है ये इंट्रोमीडियम लेयर रप्चर होता है. फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है यूट्रस का साइज बढ़ जाता है. फिर उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद जो है इसका साइज वापस अपनी जगह पर वापस आ जाती है. सही है. यूट्रस जब अपने डिलीवरी के बाद जब अपनी साइज को वापस आ जाती है, तो इस प्रोसेस को हम इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कहते हैं. इसकी साइज वापस आ जाती है. आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम फिलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे और ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे. सो थैंक यू सो मच.